कर्मकांड आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। ठीक है, तो चलो चलिए देखते हैं, पहले हम संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। ठीक है, तो संज्ञा, संज्ञा क्या क्या आता है संज्ञा में? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव, आत्मा, गुण का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। इस जैसे इसमें हम लोग कहते हैं व्यक्ति, यानी किसी व्यक्ति, व्यक्ति को हम कहेंगे किसी व्यक्ति, जैसे व्यक्ति हो गया राम, श्याम, मोहन, ये सब आ जाएंगे व्यक्ति में। और वस्तु, वस्तु क्या है? ये ब्लैक बोर्ड है, हमारे हाथ में पेन है, और बैग है, डेस्क है, बेंच है, ये सब क्या आ जाएंगे? वस्तु आ जाएंगे। प्राणी, प्राणी है कोई भी जीव, वो प्राणी में आ जाएगा। स्थान, स्थान जैसे है किसी शहर का नाम, जैसे आगरा हो गया, मुंबई हो गई, अहमदाबाद हो गया, वो स्थान में आ जाएगा। और भाव क्या होता है? जो हमारा भाव होता है, अथवा गुण, गुण क्या होता है? गुण हमारा जो अवस्था है वो हमारे गुण में आ जाएगा। जैसे इसमें क्रोध है, घृणा है, ये सारे जो आते हैं वो गुण में आ जाएंगी। इन सब का जब बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और मुख्य रूप से संज्ञा तीन प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? संज्ञा को हिंदी में मुख्य रूप से तीन प्रकार से है, जिसमें नंबर वन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें दूसरा पॉइंट है हमारा जातिवाचक संज्ञा, और इसमें हमारा तीसरा पॉइंट है भाववाचक संज्ञा। तो हम इसमें ये हिंदी के माध्यम से, हिंदी व्याकरण के माध्यम से इसको तीन भागों में बांटा गया है, जो तीनों का हम यहाँ नाम लिखे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो पहले पॉइंट में हम इसकी परिभाषा बताएंगे आप लोगों को। इसमें किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान का जब बोध होता है उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे इसमें आ जाएगा विशेष व्यक्ति क्या है? राम, श्याम, मोहन, मदन, ये जो आता है वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे हम आप लोगों को एक उदाहरण बताएंगे लिख करके यहाँ पे। राघव खेल रहा है, तो इसमें हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है उसको हम पहचानेंगे। तो हमारा जो ये नाम है ये हमारा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट में, जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? इसमें किसी ग्रुप वाला हो उसका जब नाम लिया जाता है उसे हम जातिवाचक कहते हैं। जैसे हम कहते हैं इसमें लिखेंगे हम राम फल खाता है, राम फल खाता है, तो ये क्या हमारा हो गया? इसमें जो हमारा फल है ये हमारा हो जाएगा जातिवाचक में। ठीक है, और यही हम कहेंगे कि राम सेब खाता है तो सेब खाता हो जाएगा व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। अगर यो हम कह देंगे कि राम फल खाता है केवल, तो किस में आएगा? वो जातिवाचक में आ जाएगा। चलिए तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या आता है? मन के जो भाव होता है, जो वो उत्पन्न होता है उसे हम भाववाचक कहते हैं। जैसे हम इसमें लिखेंगे सीता घृणा मत करो। ठीक है, तो ये इसके मन का जो भाव है वो घृणा से उत्पन्न हो रहा है, तो जो इसमें घृणा हमारा है वो क्या हो जाएगा? भाव में आ जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा हमारा। फिर हम इसके आगे हमारा दो पॉइंट और है, जो अंग्रेजी के अंग्रेजी के व्याकरण के माध्यम से दो पॉइंट और बनाए गए हैं, जिसका पहला पॉइंट है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक
द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें है और दूसरा है समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा इसमें ये दोनों जो पॉइंट है ये हम लोग को अभी बताए हैं कि अंग्रेजी के माध्यम से दोनों को ये फिर से बताते हैं जो ये तीनों मुख्य रूप से जो ऊपर का तीनों पॉइंट है ये मुख्य रूप से हिंदी व्याकरण के माध्यम से है और जो नीचे का दो पॉइंट है वो बाद में अंग्रेजी व्याकरण के माध्यम से इसको लगाया गया है जिसे पहला पॉइंट है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में ये चीज आएंगे जो तरल पदार्थ का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा करते हैं। जैसे इसमें हम आप लोग को बताएंगे कि क्या क्या आएगा द्रव्य पदार्थ में, पहले सोना, लोहा, किसी भी द्रव्य पदार्थ का जब बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं द्रव्य पदार्थ वाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें हम उदाहरण आप लोग को बताएंगे क्या क्या है, सोना है, लोहा है, घी है, तेल है, ये सब हमारा आ जाएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। और उसमें दूसरा पॉइंट हमारा है समूहवाचक। समूह समूह क्या होता है, समूह समूह मतलब कई लोगों का जो झुंड होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें आएगा कक्षा, कक्षा में बहुत बच्चे बच्चियां होती हैं और बाजार, भीड़, ये हमारे आ जाएंगे समूहवाचक में। समूहवाचक में बहुत लोगों का इकट्ठा होना होता है, ठीक है, इसे हम समूहवाचक संज्ञा।